तो भाई आज हम लोग अभी निकल लिए हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए। दूसरा भाई अपना परमिट लेने गया है, मैं अपना सामान वामान बांध रहा था, उसके बाद अभी निकल रहा हूँ मैं भी उधर परमिट वाले के पास जाऊँगा। परमिट का भी कुछ ना कुछ पंगा होते रहते हैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ आगे चल के। फ़िलहाल निकल लिए हैं, 9 बजने वाले हैं और यहाँ का मौसम थोड़ा अभी गर्मी वाला है जो कि अच्छा है, बारिश से तो अच्छा है यार गर्मी हो जाए। तो ये राइट साइड में एमजी रोड, यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ, मतलब वैसे ही वॉक करते करते शाम को आ जाता था लेकिन कभी वीडियो कैप्चर नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे आता था, एक शॉप है दी कॉफ़ी शॉप, तो वहाँ पे जाके बैठ के आराम से पीसफुली बैठ के कॉफ़ी पी के अपना निकल जाता था। वैसे तो अभी मौका नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग गैंगटॉक में मोस्टली अब नहीं रहेंगे, अगर रहे तो मैं पक्का दिखाऊंगा। तो ये है परमिट ऑफिस, अब जेरोक्स कराना है इसका। ये और यहाँ पे अपना पहला वाटरफॉल गुरुदोंगमार के रास्ते में, मैं वहाँ पे नाम लिखा था पढ़ तो नहीं पाया, भक्तांग। यहाँ पूजा होते हुए, जय भगवान जी, हमारी राइड अच्छे से हो जाए। तो यहाँ से मंगन दिखा रहा है 65 किलोमीटर जो कि यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, और मैंने सुना है काफ़ी, मतलब 500 परमिट बने हैं आज के लिए, परमिट वाला बोल रहा था। तो देखते हैं, मतलब काफ़ी भीड़ भी होने वाली है। होम स्टे का कुछ पता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन मिल ही नहीं रहे हैं, जो है वहाँ जाके देखेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अपनी बाइक का पेट्रोल का रेंज इतना है नहीं है, अगर हमें पूरा सर्किट कंप्लीट करना है, मतलब सर्किट इन द सेंस लाचेन, लाचेन के बाद फिर हमें लाचुंग जाना है, तो पेट्रोल उतना होगा नहीं। एक कैन तो है मेरे पास, दूसरा भी था लेकिन यार वो लाया नहीं, और मैं यहाँ कल लेना भी भूल गया, और सुबह फिर जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सोचा छोड़ो यार, अब देखते हैं आगे, कैन मिल गया या कुछ हो गया, जुगाड़ होगा तो देखते हैं आगे। बाकी सब बढ़िया है, फिर कंटिन्यू रखते हैं राइड। यहाँ पे ऐसे ही रोड है, अभी छोटे से रोड रहेंगे, घर भी रहेंगे, और ये पूरे जंगल टाइप का हरियाली रहेगी। यहाँ की राइड बहुत ही सही रहती है, वाह 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 वाह, क्या बात है, फ्लैग्स। तो हमारा ये 3 दिन का प्लान है नॉर्थ सिक्किम का, तो प्लान अभी बता देता हूँ। फर्स्ट हम लोग जाएंगे लाचेन, यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह निकल जाएंगे गुरुदोंगमार के लिए। गुरुदोंगमार के बाद वापस आएंगे लाचेन में, लंच करेंगे और फिर लाचुंग के लिए निकल जाएंगे। होपफुली अगर पेट्रोल मिल गया ब्लैक में तो, नहीं तो मुझे फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा। पेट्रोल आ गया, पेट्रोल आ गया, पेट्रोल आ गया, पेट्रोल आ गया, पेट्रोल भराते हैं पहले फिर बात करते हैं, प्लान बताता हूँ। तो अभी हो रहा है 167 और यानी कि कल चली है नथुला पास में, चली है 167 किलोमीटर, क्योंकि 16,000 हो गया था और 16,167 हो रहा है अभी। ट्रिप मीटर रीसेट कर लिया है यहाँ से, पेट्रोल बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है। भरा लिया है मैंने, एक 5 लीटर का कैन भरा लिया है, मतलब 4.5 लीटर भराया है उसमें, और अपना बाइक का टैंक फुल करके हम करेंगे अब चुल गुरुदोंगमार में। चलो भाई अब निकलते हैं,
काफ़ी देर हो गई है, 16165। मैं बाद में किलोमीटर बताऊंगा क्योंकि ट्रिप मीटर का भरोसा नहीं है कब रीसेट हो जाए। 16165 याद कर रहा हूँ मैं भी बार बार, क्योंकि मुझे पेट्रोल के लिए देखना होगा कितना बचा है, कितना और चल सकती है। मेरे ख्याल से इसका रेंज है 250 में कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, वो तो यहाँ पे टेस्ट हो ही जाएगा। अब देखते हैं एक बार में कितना खींचती है ये। ऊपर से 17,000 फीट पे है तो ऑक्सीजन का वैसे ही कमी रहता है, तो और खा सकती है, कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि पहाड़ है। चलो फिर चलते हैं यहाँ पे, चलो बोर्ड आ गया है, बोर्ड में देखते हैं कहाँ के जाना है, सीधे जाना है कि लेफ्ट राइट। मंगन के लिए सीधा जाना है 63 किलोमीटर। पहले मंगन आता है, फिर चुंगथांग शायद, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, चुंगथांग आता है, फिर हमें लाचेन के लिए निकलना है। लाचेन से एक नाइट का स्टे करना है, एक नाइट का स्टे करने के बाद गुरुदोंगमार से वापस आएंगे। लाचेन में ही हम लोग लंच करेंगे, लंच करने के बाद लाचुंग निकलना है अगर पेट्रोल बचता है या फिर पेट्रोल ब्लैक में मिल जाता है। और फिर लाचुंग से हम लोग जाएंगे यमथंग वैली, यमथंग वैली से 0.0 से फिर वापस, क्योंकि बीच में यमथंग वैली से पहले कट आता है जो कि कटाव का है, कटाव के लिए लेकिन मुझे लगता नहीं है परमिशन अभी, मतलब वहाँ पे अलाउड है। वैसे हमने परमिशन मतलब परमिट बनवा लिया है पूरा उसी के लिए, लेकिन अगर अलाउड होगा तो हम लोग पक्का जाएंगे, नहीं होगा तो वापस घर आएंगे। हाँ, और नॉर्थ सिक्किम करने के बाद फिर हम लोग सीधा निकलेंगे पेलिंग के लिए, पेलिंग। अब वो एक दिन हमारे पास बचेगा, 3 दिन में से 4 दिन सडन संडे का बचेगा, संडे को करना क्या है वो देखते हैं, मतलब या फिर सैटरडे की नाइट रुकना कहाँ पर है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। अगर थोड़ा जल्दी हो गया तो डायरेक्टली पेलिंग निकल लेंगे, अगर नहीं हुआ तो गैंगटॉक के आसपास रुकेंगे और फिर नेक्स्ट डे पेलिंग के लिए निकल लेंगे। पेलिंग में अपना ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, अभी के लिए बस इतना ही। कुछ ज़्यादा जल्दी बोल दिया हूँ क्योंकि पहले भी मैंने 2-3 बार ट्राई करा है बताने का प्लान, लेकिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है, कभी कोई सामने आ जा रहा है या फिर कभी कुछ परमिट के लिए जेरोक्स के लिए रुकना पड़ा है, कभी पेट्रोल के लिए रुकना पड़ा है। और यहाँ नज़ारे, आज ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड हूँ, और एकदम कमेंट्री होते हैं ना जैसे कोई 6 मारने वाला होता है या 4 मारता है तो एकदम वैसे बॉल हवा में होती है, तब जो कमेंट्री होती है वैसा कर रहा हूँ मैं, एकदम बढ़िया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राइडर मिलेंगे हम लोगों को राइडर बहुत मिलेंगे। और फिर कुछ नहीं, चलो फिर चलते आगे। मेरे को एक बार रुकना होगा चेन लूप के लिए, मैंने चेन लूप नहीं करी है, धुलवाने के बाद पूरी बाइक वॉश कराई थी और फिर मैं वो सब कराया था, लेकिन चेन लूप नहीं करी है, इससे एक बार बात करता हूँ क्या सीन है। आफ्टर रिस्की ड्राइविंग इज़ रिस्की, क्या बात, ऐसे इज नहीं है वहाँ पर, आफ्टर रिस्की ड्राइविंग रिस्की। और ये नज़ारे, ऐसी राइड रहती है यहाँ पे पूरी जंगल वाली, और ऐसे करवी एक और जो कि काफ़ी फेमस है वो है बी जेंटल ऑन कर्व्स। अरे यार मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ मैं, 2 चीज़ें हो गई, एक तो मैंने ल्यूम नहीं करा है और दूसरी चीज़ में पानी भी भूल गया हूँ। क्या बात, होपफुली बॉटल तो रखी है, अच्छी बात भी बोलो बुरी बात भी बोलो, यहाँ पे कर्व्स है पूरे, ऐसे ही रोड चलते रहेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, लेकिन उसे नींद नहीं आती है और हमेशा अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। स्ट्रेट रोड रहती है तो वो रहता है, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो भी चलेगा यार, आराम से घूमेंगे मज़े लेंगे और क्या। वाइज़र लगा लिया जाए, मैं हर बार वाइज़र नहीं लगाता हूँ। देखो गाड़ियाँ टूरिस्ट सब गुरुदोंगमार वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो।
ये देख रहा लाइन, ये लाइन देख रहे हो, पता नहीं किस चीज़ के लिए लगी है, बहुत लंबी लग रही है। और हाँ एक और बात कि जैसे चेक पोस्ट होते हैं ना, नथुला जाओ या फिर गुरुदोंगमार जाओ, तो सारे पे चेक करा लो, अगर वो लोग मिस हो गया उनसे तो आप लोग करा लो, क्योंकि नेक्स्ट चेक पोस्ट पे जाओगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा वो वाले चेक पोस्ट पे वो स्टैम्प के लिए, नहीं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जाने नहीं देंगे आगे। तो सारे चेक पोस्ट पे अपना देख लो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे नथुला पे दो एक चेक पोस्ट था जो समझ में ही नहीं आया, उसने फिर पीछे से आवाज़ दी तब समझ में आया क्या हो गया। किसने नथुला वाला? चलो आगे पूछते हैं। और नथुला का परमिट और अपना गुरु दोगमार का परमिट एक दिन पहले होता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा दो दिन पहले करा लो, यहाँ पे परमिट का बहुत इशू होता है यार, बहुत इशू होता है। ये लोगों ने लास्ट में हमारे साथ नथुला को तो आराम से दे दिया था, जहाँ बोला था जैसे बोला था जितने रुपए में बोला था वो सब हो गया था। 2300 लगा था दो लोगों का, पता नहीं मुझे सही है कि नहीं। और फिर ना गुरु दोंगमार के लिए 2000 रुपये में बात हुई थी, लेकिन बाद में उसने पैसे बढ़ा दिए, 400 रुपये बढ़ा दिए थे, और फिर हुआ था। पहले तो मना ही करते थे कि नहीं हो पाएगा, और ये सब बातें पहले ही हो चुकी थी लेकिन नहीं कर रहा था। फिर दूसरे पे जा रहे थे, दूसरी दुकानें उस समय सुबह बंद थी यार, फिर लग रहा था यार करा लो इसी से, फिर इससे करा ही लिया था। एटलास्ट 400 रुपये इसने एक्स्ट्रा लिए थे, मतलब 2400 में करा था। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और फिर जहाँ बोला था उसने लाने के लिए वो भी नहीं ला रही थी, वो पता नहीं क्या क्या बोलूँ मैं। तो काफ़ी अरे यार ये गुरु दोंगमार की परमिट के लिए काफ़ी वो मच्छा पारी हुई है। और फिर लोकल था कोई, मतलब जो हमारा होम स्टे वाला था, तो उसने बात करी तब जाके वो थोड़ा हुआ, उसने कुछ चिल्ला वला दिया होगा या जो भी है। तो 2400 लगाए, और नथुला के लिए 4 कॉपी चाहिए होती है, और यहाँ के लिए गुरु दोंगमार के लिए चाहिए होती है 6 कॉपी। तो 6 कॉपी और 4 कॉपी आराम से करा लेना। और मैं तो ये बोलूँगा यार, मतलब अभी तो कोविड की वजह से हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ता है, तो हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन जनरली मैं बोलूँगा कि अपना खुद लेके जाओ यार, अपना करा लो, ऑनलाइन देखोगे आपको प्रोसेस मिल जाएगा कि क्या प्रोसेस रहता है। बस एक जगह जाना है, ट्रैवल वाले पे, ट्रैवल एंड टूरिस्ट वाले पे जो उनका वो रहता है मेन, तो वहाँ पर जाके परमिट बन जाएगा, और फिर सुबह सुबह सिग्नेचर कराने होते हैं, तो जाते जाते भी करा सकते हैं हम लोग। ब्रिज से, और वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम नेशनल हाईवे 310A।